जब हमें सफलता मिलती है, जब हमें सफलता मिलती है तो दुनिया में हमारी पहचान होती है। जब हमें सफलता मिलती है तो दुनिया में हमारी पहचान होती है, लेकिन जब हमें असफलता मिलती है तो दुनिया की पहचान होती है। आज हर मानव भौतिकवादी का जीवन जी रहा है। हम सभी दिखावे के लिए आगे भाग रहे हैं। अगर एक तरफ धन हो, दूसरी ओर सत्संग हो, तो हम सबसे पहले धन को चुनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए, आज तुम्हारी दुकान पे खूब काम है, खूब ग्राहक आ रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हो, भोजन कर लो, तो आदमी क्या कहता है? नहीं, अभी मुझे ग्राहक देखना है। और ऐसा ही बोला जाए भी, अगर तुम मंदिर में डेली अभिषेक करने के लिए आ जाओ तो क्या कहता है आदमी? भैया मुझे सुबह दुकान खोलनी रहती है, मेरे पास समय नहीं है। जिस काम में हमारी रुचि हो वो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपसे पूछा जाए भी दुनिया में कितने महापुरुष हुए, तो आपका उत्तर होगा महात्मा गांधी हुए, विवेकानंद हुए, महावीर वर्धमान हुए, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महामुनि राज हुए, अनेकों संत हुए। लेकिन आपने एक चीज पर ध्यान दिया, गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, महावीर भगवान का बचपन का नाम वर्धमान, आचार्य श्री का बचपन का नाम पीलू विद्याधर, है ना, गिनी तोता मरी, ये नाम। क्या वो महात्मा गांधी ऐसे ही बन गए? क्या वो वर्धमान से महावीर ऐसे ही बन गए? उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है। अगर हम आपसे पूछें, आप सोनू मोनू को जानते हो जो दिल्ली में रहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? भैया आप कैसी बात कर रहे हो, हमारी उनसे पहचान ही नहीं है। पहचान तो आपकी कल्पना चावला से भी नहीं है, मदर टेरेसा से भी नहीं है। आप उनको जानते हो नहीं जानते हो? जानते हो ना। क्यों जानते हो? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है। ऐसे ही गुरुकुल के बच्चे सभी आए हैं, सभी अपने बच्चों को भी शिक्षा दे। ऐसा काम जरूर कर कर जाना जिससे दुनिया तुम्हें याद रखे। अनेकों संत हुए, चले गए, लेकिन आज केवल उनका नाम ही याद है। मान लो अगर तुम चोरी करते हो और नहीं करते हो तो अच्छी बात है। अब तुमसे पूछा जाए तुम चोरी नहीं करती करते तो तुम्हें महान बना दे? बोलो, अगर तुम चोरी नहीं करते तो तुम्हें महान बना दे? बोलोगे नहीं। महान कैसे बनोगे? अगर तुम किसी चोरी करने वाले को चोरी से रोकोगे तो तुम्हारा नाम महानता में आता है। ऐसे ही एक पति पत्नी और एक बच्चा थे। पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनिए अगर आप बाजार जा रहे हो तो बाजार से कुछ फल लेते आना। पति और बेटा दोनों बाजार के लिए निकले, बाजार जा रहे हैं। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा फल बेच रही है। बेटे ने कहा, पिताजी देखो बूढ़ी अम्मा फल बेच रही है, इससे फल ले लें अपन। तो पिता क्या कहते हैं? नहीं बेटा, ये फल अच्छे नहीं हैं, अपन अच्छे फल आगे बड़ी दुकान पर जाकर लेंगे। बेटा जिद करता है, नहीं पिताजी, मां देखो धूप में बैठी है, इसी से ले लो। पिता ने बोला, चलो पूछ लेते हैं क्या भाव है। पिता और बेटा दोनों उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंचे और पूछते हैं, ए बूढ़ी अम्मा ये फल कैसे दिए?
वो कहती है 50 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो, 50 रुपए के 1.5 किलो देनी है तो दे दी। वो कहती है नहीं, मैं भी कुछ पैसे कमाऊंगी, मेरा भी घर पल जाएगा, 50 रुपए सही मांग रही हूं। लेकिन आदमी बोलता है मैंने तुझे बोला था ना यहां पर फल महंगे मिलेंगे। बेटा और पति दोनों आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो फल की बड़ी दुकान आई। बड़ी दुकान पर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा भैया ये फल कैसे दिए। फल बोलता है आदमी 80 रुपए किलो, वही फल 80 रुपए किलो। तो आदमी कहता है भैया 5 साल से तुम्हारे पास आ रहे हैं, कुछ तो सही लगाओ। तो वो क्या कहता है दुकानदार, भैया पीछे देखो बोर्ड लगा है एक दाम, यहां पर पैसे कम मोल भाव नहीं होता। पिता बच्चे से कहता है चलो बेटा अपन उसी बूढ़ी अम्मा के पास चलते हैं। दोनों बूढ़ी अम्मा के पास आए तो क्या कहते हैं, दादी 2 किलो फल दे दो, पैसे सही सही लगा लेना। मां कहती है भैया मैंने सही पैसे मांगे हैं, 50 रुपए में 5 रुपए कमाई कर रही हूं। चलो कहता है ठीक है 2 किलो तोल दो, 2 किलो फल अम्मा तोल देती है, दे देती है। आदमी अपनी जेब से 200 रुपए का नोट निकालता है और अम्मा के हाथ में रख देता है। अम्मा कहती है देखो भैया मेरे पास पैसे खुले नहीं हैं, मैंने पहले ही बोला है मेरे पास पैसे खुले नहीं हैं, ये मेरी पहली बोनी है। तो क्या कहता है आदमी, अम्मा 200 रुपए रख लो, 100 रुपए ज्यादा में क्या होता है, 100 रुपए ही तो है। अम्मा क्या कहती है, भैया आज से कुछ समय पहले हमारा भी एक बड़ी दुकान होती थी, बड़े बड़े लोग हमारी दुकान से जूस पीने आते थे, फल लेने आते थे। कुछ दिन पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई, पति की मृत्यु के साथ मेरा सारा धन चला गया। आज मैं एक ठेला भी था मेरे पास, धीरे धीरे मुझे फल लाने पड़ते थे तो घर के खाने के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने ठेला भी बेच दिया। बच्चा अपने पिता से कहता है पिताजी एक 500 रुपए दो ना। पिता कहता है बेटा 500 रुपए क्या करोगे। बेटा कहता है पिताजी 500 रुपए का नोट मां को दे दो, मां अपने 2 टाइम का भोजन कर लेगी, गरीब है उसके पास कहां से आएंगे, 5-5 रुपए कमाकर भी वो कितने पैसे जोड़ लेगी और कितना घर का खर्चा चला लेगी। पिता 500 रुपए का नोट निकालता है और बेटे को दे देता है। बेटा बुढ़िया अम्मा को दे के दोनों वापिस आ जाते, वापिस आए, मां ने फल देखे, मां कहती है बेटा फल लेके आ गए। बोला हां मां फल लेके आ गए। बेटा कहता है मां एक काम करोगी, कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है, कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे कुछ दोगी ना। तो मां कहती हां बेटा जरूर दूंगी, मांग तुझे क्या मांगना है। बेटा कहता है मां आप तो मंदिर की अध्यक्ष हो तो एक काम कर सकती हो। बोलती क्या करना है। तो बेटा बोलता है मां
जिस बूढ़ी अम्मा से हम फल लाए हैं उसका ठेला बिक चुका है, उसके पास फल बेचने को कुछ नहीं है, वो धूप में बैठकर फल बेचती है। आप जो पैसे मुझे देने वाली हो जन्मदिन पर, क्या उसको एक ठेला लेकर दे दोगी? तो मां की आंखों में आंसू आने लगते हैं। मां कहती है, बेटा आज तेरे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, तूने मेरा दूध का कर्ज उतार दिया। मैं सोचती थी अभी तू छोटा है, लेकिन तेरी बातों से तो ऐसा लग रहा है तू बहुत बड़ा हो गया है। यही शिक्षा गुरुकुल में बच्चों को आपके अध्यापक देते हैं। जब तुम गुरुकुल से जाओ तो गुरुकुल की वजह से तुम्हारा नाम नहीं हो, गुरुकुल की पहचान से तुम पहचाने नहीं जाओ, बल्कि तुम्हारी पहचान से अगर गुरुकुल पहचाना जाए तो तुम्हारा गुरुकुल में पढ़ना सार्थक है। हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चे को वकील जज पुलिस वाला बनाना चाहते हैं, लेकिन एक गुरु और एक गुरुकुल आपको अच्छा आदमी बनाना चाहता है। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं भी अगर तुम अपने बेटे को बनाना चाहते हो तो एक संत बनाना, अपने बेटे को बनाना चाहते हो तो एक संत बनाना, और अगर तुम एक अपने बच्चे को संत भी नहीं बना सको तो एक अच्छा इंसान जरूर बनाना। बोली संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। हेलो।